बिग बॉस ओटीटी में घर के अंदर चल रहा है टास्क, जो कि 24/7 लाइव स्ट्रीम में दिखाई दे रहा है। टास्क का नाम है कैंडी शॉप, और इस टास्क में क्या हुआ है अभी ताजा तरीन, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। दोस्तों आपको बता दें कि इस टास्क में करण नाथ जो है वो गिर गए और काउंटर तक पहुंच ही नहीं पाए, यानी कि फेल हो गए। बाकी सारे काउंटर तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इस टास्क की संचालक हैं यानी कि जज हैं दिव्या अग्रवाल, उन्होंने प्रतीक सहजपाल को इस राउंड में आउट कर दिया है। जी हाँ, रीजन दिया है कि प्रतीक सहजपाल रेड लाइन के अंदर ही घूम रहे थे और इस वजह से मैं उनको बाहर कर रही हूं। अब दोस्तों ये फेयर है या अनफेयर है, इसका इंतजार तो करना होगा हमें, वीकेंड तक के लिए देखना होगा कि करण जौहर आखिर अपने अंदाज में किस तरीके से इस मसले पर बात करेंगे। सलमान खान होते तो हम अंदाजा लगा सकते थे अभी तक के किस तरीके का रिएक्शन आता, लेकिन करण जौहर आने वाले हैं वीकेंड पे, तो देखते हैं कि क्या होगा, इस पर बात होगी या नहीं होगी। आपको क्या लगता है, ये फेयर है अनफेयर है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।